अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का वीडियो एकदम लाइट हार्टेड रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंटिन्यूस सीरियस वीडियोस हो गए तो लोग क्या है भाई भाई बस भाई डर लग रहा करते हैं, हो रहा तो हम लोग बोले एक लाइट हार्टेड जरा टॉपिक्स भी टच करते रहेंगे बीच में। डरना नहीं, आज का वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ट्रंप हाथ नहीं लगाया अपने खाने को मालूम, इंडियन खाने को मालूम हो गया, ऐसा पेश करे उसको इंडियन खाने को, ऐसा हाथ नहीं लगाया, ऐसा खाली देख के पिछड़ गया। जबकि ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है बहुत मशहूर है किस चीज के लिए, कि रख खाता और आदमी बस बस में नहीं होता खाने से। हम लोग आपको वीडियो आगे बताएंगे कि ट्रंप इन अ डे क्या खाता, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडियन खाने को कहीं को नहीं छे, उन्हें लिटरली टच नहीं खाने, खाली जूस पी करेगा। हाँ, तो दो दिन इंडिया में था, आखिर करा क्या इन्हें, वो भी हम वीडियो में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो द वीडियो द वीडियो द वीडियो। इस वीडियो का आगे लेके जाने से पहले मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर्स एक्सनेस को। क्या आपको पता है आप भी बैठकर घर पर कमा सकते हैं पैसा? एक्सनेस वर्ल्ड के लीडिंग फॉरेक्स ब्रोकर्स में से और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस इनके पास अवेलेबल है, और इसके कुछ जबरदस्त फायदे आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि है डेली पे आउट। दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपको कुछ दिन, हफ्ते या महीने रुकना पड़ता है आपके पे आउट के लिए, लेकिन एक्सनेस पर आपको डेली पे आउट की फैसिलिटी है, और कंपेरेटिवली इसमें रिस्क फ्री इनकम है, मतलब कि आपके इनकम पर रिस्क के चांसेस नहीं है, और वन ऑफ द हाईएस्ट रेट रेवेन्यू प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे यहां पर, और साथ ही साथ आपका जो भी पे आउट है वो आपको इंस्टेंटली विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी एक्सनेस पर दी गई है। आपके क्लाइंट ट्रांजैक्शंस को आप रियल टाइम में अपडेट्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ फॉरेक्स की भी कंप्लीट नॉलेज एक्सनेस आपको सिखाएगा। इसमें कई सारे प्रोमोशनल टूल्स और मटेरियल्स आपके फायदे के लिए दिए गए हैं। 2008 से अभी तक तकरीबन $306 मिलियन का टोटल पे आउट एक्सनेस ने किया है। एक्सनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के आपको कुछ जबरदस्त फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको आपके ट्रेडर्स की एक्टिविटी पर अप टू 40% रेवेन्यू का शेयर भी मिलेगा, और इनके लॉयल्टी प्रोग्राम में आप जीत सकते हैं आईफोन, सुपरकार्स और अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को भी ट्रिप्स, और इनके स्पेशल 12,000 पार्टनर्स में से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां पर जाकर आप क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर एज अ पार्टनर अकाउंट करिए, न्यू क्लाइंट्स को इन्वाइट कीजिए और स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ। तो बात करेंगे हम अब हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में। नो, इट इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप है 6 फीट 3 इंच का पट्टा है। क्या 6 फीट 3 इंच? वो छोटा तो जल 6 फीट 3 इंच का है, लंबा है इन्हें, और माशाल्लाह से वजन जो है 240 पाउंड है, जो तकरीबन 105 किलो 108 किलो कुछ है रफली। ये संतरे की सूरत वाला क्या क्या खाता वो तो शुरुआत करेंगे इसकी भुनी से, जो है ब्रेकफास्ट। तो यूजुअली ब्रेकफास्ट जो है अवॉइड करता और बोलता कि लंच और डिनर जो है आके हेवी करना चाहता हूँ, दाल अब्दाला गुड़ थैले में फुल टाइम इन हैदराबादी स्टाइल में। फिर भी अगर कभी कभी खा लिया ब्रेकफास्ट तो क्या ऐसा खाता मालूम, उसको सुबह सुबह बेकन एंड एग्स का कॉम्बिनेशन पसंद। आई क्या बोले आप, बेकन एंड एग्स? बेकन, यस। क्या जी वो बेकन सुअर? क्या वर्ड यू से? सुअर स्टाइल में बेकन बोलते हैं। यू मीन स्वाइन फ्लू? यस। ओके, तो बेकन एंड एग्स, अंडे, और यानी तो सीरियल कॉर्नफ्लेक्स, यस, यानी तो मैकडी का मक्फिन। क्या बोले आप, मैकडी माका डोनाल्ड्स? यस 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 यस। और उसको जो यूजुअली अमेरिकन्स में पाया जाता आदत वो इसके पास नहीं है, वो है मॉर्निंग में कॉफी और टी, चाय कॉफी बिल्कुल अवॉइड करता है। खास बात ये भी है उसको एग्स नॉर्मल नहीं होना, फिर डबल साइड फ्राइड होना उसको, जैसा अपने पास हाफ फ्राइड एग बोलते हैं, देखो मतलब हाँ, स्टाइल है आजकल, एक ही स्टाइल से करते हैं। बुरा नहीं मानना जिन लोग, मगर वो हाफ रेड एग भी अगर खाए ना उसमें से बहुत ही ऑक्टनेस है उसके। मगर इसके आगे आगे अगर अपन खाने का दिखा ना, एकदम टीनेजर का खाना दिखता, धज्जे उड़ाते हाँ। दिमाग के जैसा उन्हें इंडियन खाना नहीं खाया तो अपने बड़े इंडियन ऑफिशियल्स के धज्जे उड़ गए, देखो आई इसको क्या देना खाने के लिए, वैसे धज्जे उड़ जाते आपके। जिंदा कैसा बच्चा बेटे, उन्हें हैबत में मजाक मच्छर मारिंग टाइम। अरे मारो ऊपर 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 वही चुप है। अरे अरे ये क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन में से निकला से वायरस यहाँ छोड़ के, वायरस यहाँ छोड़ के गए। डोनाल्ड डक जो है लंच में मालूम ज्यादातर खाना पसंद नहीं करता, मतलब ब्रेकफास्ट लंच सीधा उन्हें डिनर बोलते हैं, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। अच्छा, लंच भी अवॉइड, लंच भी थोड़ा अवॉइड करता, मगर अगर लंच में खा लिया तो साबित मीट लॉफ होना इसको, तो लंच भी अभी नो
थोड़ा अगर खा भी लिए तो डिनर तो भयानक होगा कुछ। बास वक्त कते 16 घंटे भी नहीं, डिनर में गुस्सा कैसा निकलता मालूम? तो जो छोटा दज्जाल जो है वो आखिरी बड़ा फैन होने क्या चीज का मालूम, फास्ट फूड का। मगर बोलता फास्ट फूड हाइजीनिक फास्ट फूड होना कहते, जंक फूड फास्ट फूड या सुअर दे देख दे रहे, मगर उनको हाइजीनिक होना कहते खाना। अच्छा, सुअर भी होना लेकिन साफ होना, साफ सुअर होना, डेटॉल डाल के देते होंगे सुअर। ऐसा डेटॉल सुअर को पिला के सहलाते होंगे, सुअर ईटिंग सुअर। तो उसको फास्ट फूड में बर्गर किंग पसंद, KFC पसंद और सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स पसंद। उसको हर जगह होता है ना मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स, उसको इतना पसंद मैकडॉनल्ड्स के व्हाइट हाउस में जो किचन है प्रेसिडेंट का किचन, उसके अंदर भी उन्होंने बोलता कि इनके प्रोडक्ट्स का रेप्लिका है तो बनाओ। मैकडॉनल्ड्स में उन्हें सबसे ज्यादा क्या खाता मालूम, 2 बिग मैक्स, 2 फिलेट ऑफ फिश, चॉकलेट शेक्स और 3 कोक, नहीं तो डाइट कोक। एक ही वक्त की बात हो रही है। यस, ये खाली डिनर में जो सबसे ज्यादा खाना पसंद है इसको, और तकरीबन 2500 कैलोरी के नजदीक इसका ये खाना है खाली एक टाइम का। और भाई साहब को क्या पसंद मालूम, स्टीक के भी बहुत बड़े फैन है ना। अरे वो जो यूं ऐसा करता सो नुसरत सॉल्ट बे जो चीज को करता ना गोश्त के टुकड़े को, वो जो एक्चुअली गोश्त का टुकड़ा नहीं है स्टीक, इज लाइक बीफ स्टीक, उसको बहुत पसंद। अच्छा, उसको बीफ बहुत पसंद। सुने बीफ 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 पसंद है, सुने बीफ बीफ। उसको बजरंग दल वाले नहीं मारे आप पीटे होंगे, यहाँ तो वेलकम करें ना, वेलकम वो भी गुजरात में करें। हाँ, हम लोग कहाँ थे, बैक टू द वीडियो, बैक टू द वीडियो। और इनको ये स्टीक कहते हैं वेल डन होना एकदम। चलिए स्टीक में जो अमेरिका में है उन्हें कच्चा खाना पसंद करते, मगर उसको स्टाइल में नामा देते ये लोग, लाइक मीडियम मीडियम रेयर, थोड़ा कच्चा गोश्त पक्का गोश्त। तो इसको अच्छी तरह पका के तो बोले, अगर हैदराबादी लैंग्वेज में बोले ना भाई सबको बेहतरीन तलावा गोश्त होना है। इसके खाने का यह हाल है, फिर इन्हें साथ जब इसके लोग गेस्ट बैठते होंगे, गेस्ट को जब इन्हें इनवाइट करता तो अजीब कारनामे करता पड़ता। गेस्ट जब रहते तो उन्हें उसको मालूम है कि गेस्ट जो है यूजुअली इतना कंटिन्यूस मीट नहीं खा सकते, यूजुअली क्या है एक सलाद वलाड के साथ भी खाते ना, तो उन्हें गेस्ट को सलाद मंगाता लेकिन खुद के लिए स्पेशल बोलता 1000 आइलैंड ड्रेसिंग कंपलसरी इस पे। वो क्या रहता बोले तो एक स्पेशल टाइप का एक सॉस है ड्रेसिंग है, तो उन्हें भर के वो कैसा भी मंगाता सलाड पेश कर, सलाड पे वो पेश करते और वो 1000 आइलैंड ड्रेसिंग जो यूज करता। साथ ही साथ भाई साहब बोलते कि हर चीज में एक्स्ट्रा सॉस होना मशहूर है प्रेसिडेंट, कोई भी चीज में जब इन्हें खाना खाता था एक्स्ट्रा केचप और एक्स्ट्रा केचप सॉस जो है पूरा भर देना इसके पास, और हर खाने के एंड में इसको होना 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस और चॉकलेट ब्राउनी जो केक जो भी है। जवान पट्टे खाते हैं 18 वो भी कहाँ खा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा ही खा ले रहे, खाना नहीं खा रहे। मैं तो ज्यादा वो देखता हूँ इतना सा आता देखो क्या की पैकेट ऐसे फाड़ के ऐसा ऐसा खा के ऐसा यहाँ कर के खेल रहेगा। और भाई साहब ये तो खाने का हो गया, स्नैक्स और ड्रिंक्स में क्या लेते? Oh my God, अभी स्नैक्स और ड्रिंक्स ही बाकी है। सॉफ्ट ड्रिंक का दीवाना है, वाना है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो आदमी को डोरिटोज पोटैटो चिप्स पसंद, तो इतना पसंद कि पूरे व्हाइट हाउस का जो शेल्फ में पहले स्टाइल में रखे रहते थे ना आलू ये वो सब हटा के पूरे पोटैटो चिप्स के पैकेट्स डोरिटोज ये रेडीमेड चीजें। लेकिन कई बार देखते होंगे अब कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिए तो फैट्स हुआ था बोलते ना, तो डाइट कोक निकाले उसके लिए, मतलब जनरल पब्लिक के लिए डाइट कोक निकाले। तो भाई साहब क्या करते इतना पूरा 2500-3000 कैलोरी का एक दिन में खाए बाद खाली 12 डाइट कोक पीता। ये हमने सऊदीया में भी देखे थे ऐसा ब्रोस्ट बोल के वहाँ पे मशहूर है जैसा KFC है वैसा सऊदी वो अल्बेक है, अल्बेक वाकई नंबर वन लजीज रहता। तो वहाँ पे बैला जो रहते थे सऊदिया ऐसा 5-5, 10-10 पैकेट लेके उसके बाद 2 डाइट कोक डाइट पेप्सी बोल के भी लेके जाते थे। इसका भी वही हिसाब दिख रहा। तो छोटा दज्जाल क्या करा इंडिया को, तो इंडिया में आने के बाद अब फिराए घुमाए फिराए ट्रेडिशनल वगैरह सब मतलब दिखाए, आर्ट्स एंड द रिच सिटी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर बोले, और उसके बाद खाना भी वैसे ही पेश करे उसको ट्रेडिशनल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर और फूड, हजारों किस्म के वैराइटीज हैं, मतलब दबा के खाऊंगा ना। मगर पटे को क्या करे मुगलई डिश नहीं दिए, प्योर वेजिटेरियन डिश दिए उसको, तो उन्हें देख लिया ऐसा देखा करे ऐसे ही देखा ऐसा देखा पीछे हट के खाली जूस पिया। जबकि उसको स्पेशल राष्ट्रपति भवन के जो शेफ से स्पेशल कोरिएंडर समोसा बनाए और कई सारे वेजिटेबल के अच्छे अच्छे लजीज डिशेस बनाए, क्यों बोले तो साथ में मोदी भी साथ दिए सो है खाने करने के लिए, तो वेजिटेरियन जितने भी वैरायटीज है पूरे तो प्योर वेज मेन्यू रखे। वेजिटेरियन से इसमें ऑफेंड नहीं होना, मगर हम ट्रंप के बारे में बोल रहे हो ना क्यों ऐसा अड़गा, तो उन्हें अड़गा पड़ता है एकदम। तो छोटा दज्जाल जो है इतना अच्छे वो सब खाने रखे बाद भी आई एम सॉरी बोल के उन्हें पीछे हट गए खाली जूस पिए। तो सिंस बीफ यहाँ पे सर्व करते नहीं
तो आर्टिकल में दिया भी हम लोग पढ़े भी कि पूरे शेफ्स पीछे किचन में जो है परेशान हो गए, अरे इसको जल्दी और क्या अल्टरनेट दे सकते, उन्हें जूस पे रहेगा तो अपने को पानी पर रख देता, बल्कि सबको मालूम रहता उन्हें जूस पे रहा तो अपने को पानी दौड़ाता। जल्दी क्या है, पीछे किचन में डिस्कशन हुआ अपने शेफ्स जो है क्या रखे ना अपने भी जल्दी जल्दी, उन बोले कि बीफ तो सर्व ना कर सकते भाई, इज्जत तो पे आ जाती है जो इतने फसादा वो चल रहे उसका मीन खत्म हो जाता, फिर वो फसादों का क्या फायदा यहाँ दे रहे बोले तो जल्दी से क्या करे नो बीफ बोल के गोट का जो है रान वान जो है जो लेग है उसकी करी बनाए रान आलीशान के नाम से उसको पेश करता है। सिर्फ ये नहीं और सुना मैं और गोश्त के चीजें बना बना के अलग अलग वेराइटीज जो है पूरे गोट में मटन में जो है वो सर्व कर, तो जब क्या है उन्हें हाँ आप कुछ हुआ बोल के उसको आंखा खुले और उन्हें खाया, लेकिन वो बोलते देखो किस्मत में दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इतने अच्छे डिशेस भी इसको रखे तो नहीं खाया, लेकिन डेफिनेट पक्का वापस अमेरिका जाते ही वही सुअर अंडे खा रहा हूँ बेकन एंड एग्स स्टाइल में। बेकन एंड एग्स तो ये थे पर्सनालिटी और डेली का एक खाने का हिसाब ट्रंप का, और आके इंडिया में कहीं को ऐसा करके गया नहीं मालूम। और आप बोलो अगर आपके घर पे ट्रंप आता था तो उसको नीचे कमेंट में लिखो क्या खिलाते थे। तो अगर आपने हमारे चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, नीचे लाल बत्ती उसे दबाओ और घंटी भी बाजू दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। इसे फेसबुक पे दबा के शेयर करो, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट में मेंशन करो हम लोग को, इंशाल्लाह हम नए वीडियो के साथ जरूर जल्द से जल्द आएंगे। और मेक श्योर एक्सनेस का नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू चेक इट आउट, रजिस्टर करिए वहां पे। जब तक विल बी बैक सून अगेन, जब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।